ये मसला लिखा हुआ है कि मोहम्मद हाशिम अल मदनी साहब जो कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंजी बरदार हैं, वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है और वो हुजूर की इजाज़त से पाकिस्तान आए हैं। पूछना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किसी गुमराह शख्स को सलाम भेज सकते हैं, और इस बात में के बारे में, इस बात के हवाले से ताहिरुल कादरी के बारे में क्या ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये शख्स इब्तिदा में सही अल अकीदा सुन्नी और फिक्री मसाइल के अंदर हनफियत के ऊपर ये शख्स कायम था, लेकिन जो जो ये आगे बढ़ता गया और लोगों ने इसकी तकरीरों पर इसको दाद दी, तकरीर के अंदर इसका खास मलका है, तकरीर के ऊपर दाद दी और इसकी जमात जो है वो बढ़ती गई, तो आहिस्ता 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 इसने खुद को इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिलमुकाबिल एक मुज्तहिद बना लिया। और इस बात का इजहार उस मौका पर हुआ कि जब एक मुजाकरा हुआ था जामिया नईमिया लाहौर में औरत की दियत के मसले पर, तो जिस वक्त उस मुजाकरे के अंदर ताहिरुल कादरी का चूंकि मौकफ था कि औरत की दियत जो है, यानी जब औरत को कोई कत्ल कर दे तो उसका कोई तावान मालिक, उसके जो वारिस हैं वो तावान उसके माफ करना चाहें तो तावान कितना होगा, तो फुकहाए इस्लाम का इत्तेफाक है कि ये तावान जो है ये मर्द के तावान से अदा होगा। तो किसी शख्स ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सामने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और पूरी हनफी जो मजहब के अकाबिर मुहद्दिसीन मुफस्सरीन फुकहा और आइमा दीन हैं उन सब के हवाले से ये कहा कि उन सब का मजहब जो है वो ये है कि औरत की दियत मर्द की दियत से नसफ है, उससे आधी है। तो ताहिरुल कादरी ने जवाब दिया कि आप इन लोगों का हवाला इमाम अबू हनीफा और उनके जो पैरोकार हैं, हाँ जी, उनमें बड़े बड़े आइमा दीन हैं, बड़े बड़े औलिया किराम हैं, बड़े बड़े फुकहा हैं, अजीम से अजीम तर दर्जे के, तो उनका नाम लेकर कहने लगा कि ये सारे तो मेरे मद्दे मुकाबले हैं, आप इनका हवाला मेरे सामने किस तरह दे सकते हैं। तो ये उसकी बहुत बड़ी गुमराही थी पहले कि औरत की दियत को जो है वो मर्द की दियत के बराबर करार देना और इजमाए उम्मत की मुखालफत करना, और इससे मकसूद का ये था कि जिद्दत ज़दा मॉडर्न जो सेकुलर किस्म का तबका है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर या दूसरी मुल्कों में, उनसे शाबाश लेना मकसूद था। तो इजमाए उम्मत को इसने फाड़ा, तो इजमाए उम्मत का फाड़ने वाला जो है वो फासिक है, कम अज कम वो फासिक है। इमाम इबन हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहरीर और हमारे अकाबिर की तहरीरों के मुताबिक। इसी तरह जिस वक्त खुमैनी मर गया, और खुमैनी कौन था, ये शिया इसनाशरी था, और शिया इसनाशरी के अकायद जो हैं वो उनकी अपनी किताबों से जाहिर और बाहिर हैं। इनके मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा है, और इसी तरह इनके काफी कुलैनी के अंदर भी मौजूद है, किताब रोज़ा के अंदर, और इसी तरह तफसीर कुम्मी के अंदर भी मौजूद है, और दीगर इनके मसब की मुस्तनद और बुनियादी किताबों के अंदर ये मौजूद है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आपकी वफात के बाद सिर्फ तीन आदमी मुसलमान बचे, बाकी सारे के सारे जो हैं वो काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, अलयाज़ु बिल्लाह सुम अलयाज़ु बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम को वन टू आल सिवा तीन अफराद के, जो शख्स काफिर और मुर्तद कहता है तो ऐसा शख्स खुद इस बात का मुस्तहिक है कि वो खुद काफिर है, वो खुद काफिर है। इसी तरह शिया इसना अशरी का अकीदा, जैसे कि मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी हक़ुल यकीन के अंदर लिखा और दीगर उनके अकाबिर उलमा ने भी लिखा है, अकीदा उनका यह है कि 12 इमाम जो हैं ये अल्लाह ताला के सारे नबियों से अफजल हैं सिवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अफजल नहीं, हाँ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हैं और हुजूर के मिसल हैं, और हुजूर में और इनके फजीलतों में और हुजूर की फजीलत में कोई फर्क नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि हमारे अकाबिर ने और पूरी मिल्लत इस्लामिया का इत्तेफाक किस बात पर है कि जो गैर पैगंबर को पैगंबर के बराबर करार दे या पैगंबर से अफजल करार दे वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। तो इस एतबार से अगर एक पैगंबर पर अफजल करार दिया, 12 अशखास को, 12 इमामों को एक पैगंबर पर अफजल करार दिया, तो ये 12 कुफर हुए,
और जब 1,24,000 या कमो बेश जितने भी अल्लाह ताला के नबी हैं उन सब की तादाद, उन सब का जब ये जो है अफजलियत का इनकार किया और उन सब को हजरत अली मुर्तजा 12 इमामों से कमतर कहा, तो फिर उन सब की मजमू तादाद को 12 से ज़रब दे लो और जितनी तादाद आएगी उतने अदद कुफर जो हैं उनके इस एक अकीदे के अंदर बनते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिसाल और आपके बराबर करार देने में ये 12 कुफर बनते हैं, 12 शख्सों को हुजूर के बराबर करार दिया, लिहाजा ये 12 कुफर बनते हैं। इसके अलावा कुफरियात जो है शिया मजहब की किताबों के अंदर हशरातुल अर्द की तरह भरे भरे पड़े हुए हैं। शिया हज़रात की किताबों में ये लिखा हुआ है, उनकी तफसीर अय्याशी मेरी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, उसमें यह लिखा हुआ है कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज इलाह 2-3 मकामात पर लफ्ज इलाह, इलाह समझते ना आप, इलाह अल्लाह ताला के लिए है, इलाह बरहक, तो इलाह का लफ्ज जहां आया है तो वहां इलाह के लफ्ज की उन्होंने तफसीर की है 12 इमामों के साथ, 12 इमामों के साथ, कि यहां अल्लाह पाक ने इलाह का लफ्ज बोलकर तो मुराद 12 इमामों को लिया है। अलयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलयाज़ु बिल्लाह, जो लोग 12 इमामों को इलाह करार देते हैं तो वो कम अज कम 12 मरतबा मुशरिक हुए, 12 मरतबा वो मुशरिक हुए। फिर इसी तरह ये लिकुल्ल उम्मत रसूल, कुरान मजीद के अंदर ये अल्फाज आए हैं कि हर उम्मत के लिए यानी हर ग्रोह के लिए एक रसूल हमने भेजा है, तो इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं कि यहां लिकुल्ल उम्मत रसूल से मुराद 12 इमाम हैं, कि वो अपने अपने जमाने के लोगों के लिए वो रसूल हैं, अपने अपने जमाने के लोगों के लिए वो रसूल हैं। तो अगर इसके बावजूद भी शिया मुसलमान हैं तो फिर मिर्जाइयों को भी मुसलमान कहो, क्योंकि शिया जो हैं ये मिर्जाइयों ने तो एक शख्स को नबी करार दिया, रसूल करार दिया है, और शिया इसनाशरी हजरात जो हैं मुल्ला बाकर मजलसी वगैरह ये इन हजरात ने और इनके मुफस्सरीन ने 12 शख्सों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल करार दिया है। तो इस तरह की और भी कुफरियात हैं, उनके बहुत सारे ढेर सारे कुफरियात हैं, और ये उलमा से ढके छुपे नहीं, जो उलमाए हक हैं उनसे ढके छुपे नहीं, उनकी किताबों के अंदर ये हशरातुल अर्द की तरह ये फैले हुए हैं। और अल्लामा खुमैनी के बारे में ये बात हमने खुद नवाए वक्त अखबार के अंदर पढ़ी थी और हमने बाज किताबों के अंदर भी पढ़ी है कि खुमैनी एक ईरानी यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा को लेक्चर देने के लिए गया, तो वहाँ उन्होंने खुमैनी से ये सवाल किया कि सही और जो असली इस्लाम है तो उस इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए हमें आप कौन सी किताबें पढ़ने का मशवरा देते हैं। तो खुमैनी ने कहा कि मुल्ला बाकिर मजलसी की किताबें पढ़ा करो, और मुल्ला बाकिर मजलसी की अपनी किताबों के अंदर ये सारी बातें जो हैं ये लिखी हुई हैं। तो इससे पता चला कि खुमैनी जो है ये भी बदतर काफिर था, काफिर काफिर काफिर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बदतरीन काफिर था, क्योंकि मुल्ला बाकिर मजलसी की जो किताबें पढ़ने की सिफारिश कर सकता है वो इस्लामी कानून की रूह से और किताब व सुन्नत की रूह से वो बंदा मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। ये है खराफात इनके शिया इसनाशरियों के, कुफरी खराफात, जिनकी वजह से खिलाफत राशिदा के जमाने से लेकर दौर हाजिर के तमाम उलमाए इस्लाम ने बिल इजमा इन राफजियों को, इन इसनाशरियों को काफिर मुशरिक और दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया है। जिस वक्त तो खुमैनी भी उन्हीं का एक आलिम था, खुमैनी जब मरा तो ये उसके ताजियती एक प्रोग्राम के अंदर एक इमाम बाड़े के अंदर ये काला जुब्बा पहनकर, काला जुब्बा से मुराद है मेरी के वो मातम के लिए आदमी जाए और काला लिबास पहन के जाए तो वो मातमी होता है, यानी मातमी लिबास पहन के ये गया प्रोफेसर ताहिरुल कादरी और उसने जाकर बड़ी तकरीर की, और तकरीर के अंदर दो बातें खास तौर पर इंतहाई काबिल गिरफ्त हैं। एक बात तो ये कही कि ये तो एक खुमैनी फौत हुआ है मगर फिक्र ना करो कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खुमैनी होगा, नाऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नाऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नाऊज़ुबिल्लाह, जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को काफिर बनाना चाहता है तो वो शख्स खुद कैसे मुसलमान हो सकता है। और फिर ये कहा कि खुमैनी का जीना अली की तरह था और खुमैनी का मरना हुसैन की तरह है,
नाउज़ु बिल्लाह नापाक काफिर और मुत्तफ़क़ अलैह काफिर, जिसको सारी उम्मत जो है वो अपने इत्तेफाक से इजमा से काफिर करार देती है जिस शख्स को, तो उस शख्स के जिंदगी को मौला अली रदी अल्लाह तआला की जिंदगी के साथ वो तशबीह देता है और उसके मरने को हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला की वफात से वो तशबीह देता है। तो आप समझें कि उसका क्या अकीदा है। उसके बाद फिर और बहुत सारी फुलझड़ियां हैं। यहां पर एक हमारे पास कैसेट आई थी जिसकी क्या नाम है, ये उसकी क्या नाम है, सीडी जो है वो भी पेश की जा सकती है या उसकी कैसेट पेश की जा सकती है। ये शिया हजरात का एक इदारा है इस्लामाबाद में और वो हर साल मुहर्रम शरीफ के अंदर वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम मनाते हैं और उसके अंदर वो अपने शिया मुज्तहिदीन और शिया उलमा को भी जमा करते हैं और कई वो दुनियादार लीडर किस्म के जो सुन्नी हजरात हैं उनको भी बुला लेते हैं और जो सुन्नी आलिम उनके कहने पर चले तो उसको भी बुला लेते हैं। वहां तकरीर के लिए उन्होंने ताहिरुल कादरी को बुलवाया। ये ताहिरुल कादरी जो है ये शिया हजरात के इमाम वाड़े के अंदर गया, वहां जाके इसने तकरीर की और तकरीर के अंदर इसने ये बकवास की कि नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह कि शिया और सुन्नी दोनों मजहबों को मिलाकर इस्लाम कामिल होता है। नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, अगर सुन्नियों को निकाल दिया जाए फिर भी इस्लाम कामिल नहीं, अगर शिया को निकाल दिया जाए फिर भी इस्लाम कामिल नहीं। तो जो शख्स शिया के कुफर को शामिल किए बगैर इस्लाम को मुकम्मल नहीं समझता वो मुसलमान है, कौन है वो? तो पहले तो इसके बारे में जो शरी हुक्म है, कम अज कम शरी हुक्म यह है कि अहले सुन्नत और जमात में से हरगिज नहीं धोखा दिया हुआ इसने सुन्नी मुसलमानों को और ये शख्स बदतरीन गुमराह है, बदतरीन गुमराह, बदतरीन गुमराह। अभी इसकी और गुमराहियां जो हैं वो और वो जो है वो वाजे होने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये जो लिखा है कि मोहम्मद आशिम मदनी ने जो कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंजी बरदार हैं, वो जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को हुजूर ने सलाम भेजा। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि जितने कलीद बरदार वहां पर और जितने वहां खुद्दाम हैं तो वो खुद्दाम जो हैं ये सऊदी हुकूमत ने तसल्ली करके उनको मुकर्रर किया हुआ है कि उनके वो अकीदे के लिहाज से और अपनी सियासत के लिहाज से वो सऊदी हुकूमत के वफादार हैं, दूसरों को नहीं उसके अंदर दाखिल किया। तो ये ताहिरुल कादरी का अकीदतमंद कहां से वहां से पैदा हो गया। दूसरे नंबर पर यह बात है कि इसी तरह एक शख्स ने लिखा था, यह हमारी पैदाइशों से भी पहले का वाकया और आजकल भी कभी कभी उसकी फोटो स्टेट जो है ना लोगों के अंदर वो बांटते हुए कई लोगों को हम देखते हैं कि एक शख्स शेख अहमद है, मदीना मुनव्वरा का रहने वाला है जी, उसने ख्वाब में देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि क़यामत करीब आ गई है और मुसलमानों को मेरा पैगाम दो कि मुसलमान नमाजें पढ़ा करें, रोज़े रखा करें और ये करें और ये करें और ये करें और ये करें। तो फिर उसके नीचे ये भी लिखा हुआ कि जो शख्स यकीन नहीं करेगा, इस पैगाम की सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, उसका इतने दिनों के अंदर कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, और ये कि इसको इसको 40 या 100 या 12 या 10 या कितनी तादाद में ये लिखा होता है कि हर इसका पढ़ने वाला जो इतनी तादाद में इसको प्रिंट करा के फोटो स्टेट इसके बनवा के तो उनको वो तकसीम करे और जो तकसीम नहीं करेगा उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फतावा रज़विया के अंदर मैंने पढ़ा था सबसे पुरानी बात इसके बारे में कि वहां उनके सामने भी आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने भी ये सवाल आया है और आपने इस सवाल का जवाब दिया है और सवाल के जवाब में आपने फरमाया है कि बिल्कुल झूठ है, मनगढ़ंत है और ये कि इसके अंदर जो बातें आगे लिखी हुई हैं वो बातें जो कि शर्तें जो लिखी हुई हैं ये सारी शर्तें ही बताती हैं कि झूठ है, ये मनगढ़ंत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में या बेदारी में किसी भी मुसलमान को मिलना या किसी गैर मुस्लिम को भी मिलना ये तो मुमकिनात में से है, लेकिन हर मुमकिन चीज जो है वो जरूर नहीं कि वो वाकई भी हो। हो सकता है कि बोलने वाला झूठ हो, झूठ झूठा झूठ बोल रहा हो और ये भी हो सकता है कि उसने बोला ही ना हो, किसी दूसरे ने मंसूब कर दिया हो। तो अब ये जो शख्स जिसकी ये बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इतने कुफरी अकीदे जो ताहिरुल कादरी के मुंह से निकले और इसके बदतरीन बदमजहब होने की के बावजूद अगर इस किस्म के अल्फाज किसी ने कहे हैं तो हम समझते हैं कि वो झूठ बोलता है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान बांधता है। और हमें यही समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को काफिर कहने वालों को किस तरह मुसलमान करार देते हैं दे सकते हैं, और अपने सहाबा को काफिर करार देने वाले जो हैं उनकी जिंदगी को अली से और उनकी मौत को हज़रत इमाम हुसैन की वफात से तशबीह देने वाले जो गुमराह हैं उनको कैसे सलाम भेज सकते हैं। तो इसी यही वजह है कि ख्वाब के अंदर अगर किसी को कोई मसला नजर आया है तो फुकहाए इस्लाम या मुतकल्लिमीन इस्लाम जो है वो उसको कोई अहमियत नहीं देते, इसलिए कि ख्वाब का वाकया जो है यो महज एक जन है। हाँ, अगर शरीयत के मुआफिक है तो उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत उससे रोशनी जो है वो ली जा सकती है, और अगर शरीयत के खिलाफ है तो वो बिल्कुल झूठ का पलंदा है। और चूंकि ये शरा शरीफ के खिलाफ है लिहाजा ये झूठ का पलंदा है। इस किस्म के कई और भी इसने मन घड़त ये मुकाशफे जो हैं वो बाज ऐसे लोगों के जो के लोगों के अंदर अपने आप को झूठा वली बनाकर शाया मशहूर करते रहे हैं, उन लोगों के कुछ कलेमात भी इस शख्स ने मशहूर किए हुए हैं और वो भी लोगों को दिखाते हैं पढ़ाकर, या वो भी लोगों को जो है ना वो शो करते हैं। तो उनका भी यही हुक्म है कि चूंकि ये एक वाज़े तौर पर एक गुमराह आदमी है और कई मरतबा कुफरी कलेमात अपने मुंह से निकाल चुका है, और कम अज कम हद जो है ये कि सख्त तरीन गुमराह है, ऐसे सख्त तरीन गुमराह के हक में इस तरह की बात करना जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार शरीयत सरकार की है और सरकार ने जो शरीयत हमें दी है तो उसके खिलाफ सरकार कैसे कर सकते हैं और कैसे फरमा सकते हैं। हमें किसी और बात की तलकीन फरमाएं और वो उसके मुखालिफ की किसी और की तारीफ करते रहें, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तो ये सब मन घड़त है, इसके अंदर कोई हकीकत और कोई असलियत और कोई सच्चाई नहीं।